दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक इन्वर्टर रखा हुआ है जो कि माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर है और इसका मॉडल है माइक्रोटेक 625E2। तो चलिए हम देखते हैं, चेक करते हैं इस इन्वर्टर में क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसे बैटरी से लगाकर ऑन करेंगे। ये देखिए, हमने इसे कनेक्ट कर दिया, इन्वर्टर ने आउटपुट निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए मीटर, आप देख सकते हैं इस मीटर में आपको इसकी आउटपुट वोल्टेज, एम्पियर और इसकी फ्रिक्वेंसी सब दिखाई पड़ रहा है। ये मीटर हमने इन्वर्टर के आउटपुट पर लगा रखा है। तो दोस्तों इन्वर्टर अपनी आउटपुट तो सही निकाल रहा है। अब इसे मेन लाइन से कनेक्ट करके इसे चार्जिंग वगैरह चेक करते हैं और चेंजेबल सेक्शन का चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं चार्जिंग सेक्शन में या फिर चेंजेबल सेक्शन में कोई फॉल्ट हो। तो चलिए इसे हम मेन लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने, देखिए ये फॉल्ट आ रहा है। मेन लाइन से कनेक्ट करने पर इन्वर्टर हमारा फ्यूज़ ब्लोन दिखा रहा है। तो अब हम इसे पहले फ्यूज़ चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं इसका फ्यूज़ ख़राब है जिसकी वजह से ये इसका इंडिकेटर शो हो रहा है। तो चलिए पहले इसका फ्यूज़ चेक करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसका फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। इसे हम कंटिन्यूटी पर चेक करेंगे। ये देखिए फ्यूज़ इसका बिल्कुल सही है, यानी कि फॉल्ट जो है वो फ्यूज़ के अलावा है। तो चलिए इस फ्यूज़ को लगा देते हैं और इसके बाद चेक करते हैं। देखिए दोस्तों इन्वर्टर को अब फिर से मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं और अब देखिए हम एक मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को हम एसी वोल्टेज पर सेट करेंगे और फिर इसके हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे फ्यूज़, पहले हम फ्यूज़ पर देखेंगे एसी प्रॉपर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। मीटर को यहाँ पर रख लेते हैं ताकि आपको सही से दिखाई पड़े। अब हम जो हमारे न्यूट्रल और फेस का वायर आ रहा है यहाँ पर करंट चेक करेंगे। ये देखिए फ्यूज़ पर एसी करंट आ रहा है, यानी फ्यूज़ हमारा सही है। यहाँ तक तो वोल्टेज ठीक आ रहे हैं। देखिए दोस्तों इस इन्वर्टर की जो प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है ये इसका फ्यूज़ होल्डर इसका दिक्कत कर रहा है। हमने इस पर मल्टीमीटर की प्रोब लगाई तो ये कनेक्ट हो गया और इसमें लूजिंग है, यानी अंदर से इस पर कार्बन वगैरह आ गया हो। कई बार ऐसा है लूजिंग की वजह से कार्बन आ जाता है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। देखिए ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है, तो हम इस फ्यूज़ होल्डर को चेंज कर देंगे। फ्यूज़ होल्डर को हम चेंज कर देंगे तो हमारा इन्वर्टर बिल्कुल अच्छा काम करेगा और इस छोटे से फॉल्ट की वजह से इन्वर्टर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।